नमस्कार बाळ मित्रों, आजे आपणे कक्षा 5 हिंदी द्वितीय सत्र चैप्टर नंबर 14 हम भारत की शान है के जेमनो साहित्य प्रकार कविता तेमनो आजे अभ्यास अने स्वाध्यायनो संपूर्ण सोल्यूशन जोईशु। हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। अमें भारत की प्रतिष्ठा छे। भावात्मक अनुवाद छे, अमने नाना नाना न समझो, अमें भारत की प्रतिष्ठा छे। अमारा ज आखी धरती टकी रहेली छे अने आ आकाश पण विस्तरेलू छे। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर हक आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो आमा अमी आ बगीचाना फूलों छे, अमारू काम सुगंध फैलावानू छे। अमे महान कामों करिए छे, तेथी आगळने आगळ वधता रहीशु। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे, नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो आ पंक्ति में एवं कहे छे कि अमारे प्रगति करता रहेवानू छे, अमे आगळ वधता ज रहीशु, कदी अटकीशु नहीं, कारण कि अमे भारत की प्रतिष्ठा छे। अभ्यास जोईए आपणे पहेला। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। उदाहरण आपेलो छे, तो तेमा पहेलू धरती, तो धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। बीजू बगिया, बगिया में गुलाब के फूल है, बगीचे में गुलाब के फूल है। त्रीजू शान, बच्चे देश की शान है, बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। प्रश्न बे, इस पंक्ति में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। उत्तर, मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। ब, सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं। उत्तर, हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर। प्रश्न 3, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगान कीजिए। अहीं तमारे व्यक्तिगान करवानुं छे। प्रश्न 4, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। पहलू, खाली जगह विद्यालय सुंदर है, तो इसमें आएगा मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। बीजू, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसमें आएगा अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। दूसरा, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। सद्य जो ये आपने प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, भारत माता की शान कौन है। उत्तर, बच्चे भारत माता की शान है। बीजू, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। उत्तर, बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। त्रीजू, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर, हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। 4, हमारे देश का भविष्य कौन है। उत्तर, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ऊंचे ही खाली जगह बढ़ते जाना है, बढ़े खाली जगह शान है। उत्तर जो है, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है,
बढ़े चलेंगे, नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। प्रश्न त्रण, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो पहलू नन्हा तो बड़ा, धरती तो आकाश, चढ़ना तो उतरना, ऊंचे तो नीचे, आगे तो पीछे, खुशबू तो बदबू। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू आप केले खाकर छिलके कहाँ डालेंगे? उत्तर, हम केले खाकर छिलके कूड़ेदान में ही डालेंगे, इधर उधर खुले में नहीं डालेंगे। बीजू, विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देकर आप क्या करेंगे? उत्तर, विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देकर हम उन्हें इकट्ठे कर लेंगे और कूड़ेदान में ही डालेंगे। त्रिजू, आपकी रक्षा में कूड़ा पड़ा है, आपकी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हम उसे उठाकर कूड़ेदान में ही डालेंगे। थैंक यू बाल मित्रों।